हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जितने भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से बीएससी नर्सिंग का कोर्स एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हैं या अभी फिलअप कर रहे हैं, अभी आप फिलअप कर सकते हैं 15 जुलाई तक। और केजीएमयू और एबीएमयू अटल बिहारी वाजपेयी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी दोनों कम्बाइंड है, एक ही फॉर्म आपको डालना है। अगर आप डाल दिए हैं केजीएमयू का तो एबीएमयू का नहीं डालना है। तो चलिए कुछ इसका इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या सिलेबस है। सिलेबस आप अगर आप इतना सब कुछ पढ़ ले जाते हैं तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ने हैं तो चलिए आप ये सर्च कर सकते हैं, एबीएमयू गूगल पे आप सर्च कर लीजिए। और सर्च करने के बाद आप एबीएमयू की साइट पे जाएंगे, ये देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे ही ये फर्स्ट वाला आएगा इस पर आप क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद गूगल पे देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ की वेबसाइट पर आएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको ये ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ब्राउचर में चलिए आपको बताते हैं कि इस ब्राउचर में क्या लिखा गया है। तो जैसे आप ब्राउचर आपको डाउनलोड करना है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ये लिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपका एक पेज ओपन होगा जहाँ से आप ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखिए ये ब्राउचर है, ये स्कैन सिंपल, तो ये नीचे वाला आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और चलिए मैं डाउनलोड कर चुका हूँ पहले से, तो आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए ये डाउनलोड करने के बाद आप ये यहाँ से पढ़िए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो होगा ये देखिए सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल 1 मार्क, अगर सही करेंगे नो नेगेटिव मार्क। पेपर जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा ये इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आएगा। ये देखिए आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है जो कि मैं बता दिया हूँ कैसे आपको पढ़ना है, वीडियो बनी हुई है। फिजिक्स पढ़ना है आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ना है 40 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी पढ़ना है 40 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी में बॉटनी और जियोलॉजी 20-20 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है और जनरल नॉलेज दोनों मिला के 40 क्वेश्चन आएंगे। और इसका सिलेबस जो रहेगा इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, ये देख लीजिए इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का मतलब होता है 11th से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 11th क्लास से एंड 12th क्लास से, दोनों से क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप क्या करिए, आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें बायोलॉजी आप पढ़िए और केमिस्ट्री के पढ़िए, और आप फिजिक्स जहां से भी आपके पास कोई नोट्स है तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं फिजिक्स के लिए। तो ये चीज़ हो जाएगा। और इसका जो चलिए मैं इसका आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर कुछ बता देते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको फॉलो करने हैं। तो ये पहले हम लोग केमिस्ट्री में देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में कितने चैप्टर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और आपके जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट जो मेटलर्जी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इतने चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक में करने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर ये इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन में आप कुछ टॉपिक देखेंगे और यस ब्लॉक तो इम्पॉर्टेंट है, पी ब्लॉक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री देख के जरूर जाइएगा एक बार, और डी एंड एफ ब्लॉक तो आपको इम्पॉर्टेंट होता ही है, जनरल प्रिंसिपल मेटलर्जी तो एक क्वेश्चन आने के चांस रहते ही हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आप जरूर देख के जाएंगे। नेक्स्ट में आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लीजिए जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन जिसमें एमीन्स आते हैं, एल्कोहल फिनाल एंड ईथर्स एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एमीन्स जिसमें आते हैं पॉलीमर्स, ये इंपॉर्टेंट है, बायोमॉलिक्यूल्स भी जरूर देखे जाएगा, केमिस्ट्री ने एवरी डे ऑफ लाइफ, ये तीनों चैप्टर्स सिंपल होते हैं जरूर देख के जाइएगा। तो इसमें आप कर सकते हैं जीओसी जरूर देख के जाएगा जिसमें एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ होते हैं ये सब देख के जाएगा, हाइड्रोकार्बन में नेमिंग रिएक्शन जो है देख के जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइलोजन जो हाइलो एरिन वाला चैप्टर होता है वो जरूर देख के जाएगा, हाइलो एरिन वाले जो चैप्टर
चैप्टर होते हैं वो ज़रूर देख के जाइएगा। अल्कोहल फिनाल ईथर में जो नेमिंग रिएक्शन है वो ज़रूर देख के जाइएगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, नेमिंग रिएक्शन ज़रूर देख के जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट एमीन्स में भी ये नेमिंग रिएक्शन होते हैं तो वो ज़रूर सब देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तो मोल्स जिसको चैप्टर बोलते हैं ज़रूर करके जाइएगा। ए स्टेट ऑफ मैटर स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम ये ज़रूर चैप्टर करके जाइएगा। केमिकल बॉन्डिंग तो आपको करके जाना ही है, काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर ज़रूर करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन करके जा सकते हैं, सॉलिड स्टेट ज़रूर देख के जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ से भी थ्योरी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, 40 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर भी सभी इंपॉर्टेंट हैं तो ज़रूर देख के जाइएगा। और चलिए इसमें देख सकते हैं ये सब चैप्टर दिए गए हैं नियम रिएक्शन। और बायोलॉजी की अगर बात करेंगे कि बायोलॉजी में क्या पढ़ के जाना है, और बायोलॉजी में वही है ना कि चैप्टर तो काफ़ी चैप्टर हैं, 38 एनसीईआरटी चैप्टर 38 चैप्टर एनसीईआरटी में 11th और 12th मिला के दोनों में हैं, लेकिन आपको पढ़ के तो सभी जाने हैं चैप्टर। जैसे कुछ चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए यूनिट फर्स्ट, आप 11th एनसीईआरटी में आएंगे, यूनिट फर्स्ट में आएंगे, उसमें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें लिविंग वर्ल्ड आपको चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ये फर्स्ट यूनिट जो है ना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जैसे प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम यहाँ से क्वेश्चन 100% आने ही हैं, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आएंगे ही। तो ये चैप्टर तीनों कंफर्म कर लीजिएगा। और सेकंड यूनिट अगर आएंगे तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, इसमें 3 चैप्टर आते हैं। मॉर्फोलॉजी से जरूर चैप्टर पढ़ के जाइएगा। एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट में कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में कुछ टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज़रूर देख के जाइएगा। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये भी पूरी तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं ज़रूर करके जाइएगा। और आप आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी, बॉटनी का पोर्शन है, इसमें इंपॉर्टेंट हैं फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाते हैं 3 चैप्टर लास्ट वाले, तो ज़रूर करके जाइएगा। करने तो ये भी दोनों चैप्टर हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करने हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज फ्लूइड एक्सक्रेटरी लोकोमोशन, और एक चैप्टर आपको और बचता है, ये देखिए 2 चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, जैसे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग वाले चैप्टर, एक्सक्रेटरी वाले चैप्टर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और लास्ट में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर। और 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी में आएंगे तो फर्स्ट जो यूनिट है 6 नंबर वाली रिप्रोडक्शन वाली, ये तो पूरी चारों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन इन आयोजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। जेनेटिक्स तो 3 चैप्टर हैं इसमें इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन वाला और प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर, इसमें अगर बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर इंपॉर्टेंट है और प्रिंसिपल में मेंडल्स लॉ जो दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इवोल्यूशन तो इंपॉर्टेंट है ही। और यूनिट 8 की बात करेंगे तो ह्यूमन वेलफेयर इसमें आपका आएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्ट्रेटजी फॉर एनिमल्स एंड फूड प्रोडक्शन माइक्रोब्स इन वेलफेयर। और बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे अगर 9th चैप्टर नंबर बायोटेक्नोलॉजी, तो ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इकोलॉजी की बात करेंगे यूनिट 10th और 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का यूनिट लास्ट यूनिट इकोलॉजी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इन्वायरमेंटल इशू बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम ऑर्गेनाइज एंड पॉपुलेशन, चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, देख के ज़रूर आपको जाने हैं। तो ये सिलेबस हो जाएगा आपको पूरे
पूरे कम समय में अच्छे से जरूर पढ़ के जाएँ। मैंने इस पर बायोलॉजी में सभी चैप्टर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं चैनल पर, तो एक बार चैनल पर आप लोग ज़रूर विजिट करें। चैनल पर विजिट कर लेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे तो ये लगेगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन किया है और एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो चैनल का नेम है, यूट्यूब पे सर्च करें SEAT NEET नीट चैनल आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे और एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ पे मैंने 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और यूनिवर्सिटी के नॉलेज के ऊपर। तो एक बार चैनल पे विजिट करें और फिजिक्स में क्या पढ़ना है चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। चलिए इसी वीडियो में फिजिक्स भी देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं, देखिए फिजिक्स सिलेबस 11th क्लास एंड 12th क्लास। अब 11th क्लास में कौन कौन से चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, ये एक क्वेश्चन सिंपल होता है, यूनिट्स के ऊपर आते हैं तो ये ज़रूर पढ़ के जाएगा। काइनामेटिक्स ज़रूर देख के जाएगा और आप मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड ग्रेविटेशन वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ के जाएगा। और अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं तो ये सब चैप्टर आपको परफेक्ट आने चाहिए। जैसे ये देखिए वेव वाले चैप्टर ज़रूर पढ़ के जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर हो गए और काइनामेटिक्स हो गया, फर्स्ट 1D 2D ये सब ज़रूर पढ़ के जाइएगा, फिजिकल मेजरमेंट पढ़ के वाला चैप्टर ज़रूर जाइएगा। तो ये चैप्टर तो ऐसा सब पढ़ने, लेकिन जो चैप्टर मैं टेक कर रहा हूँ ना ये एक्सपीरियंस के बेस पे, जो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और जो दिया है एंट्रेंस एग्ज़ाम बार बार, तो उससे ये चीज़ें आपको ज्ञान होती हैं, नॉलेज होती है। तो आप भी अगर दिए होंगे या अपने फ्रेंड सर्कल में कोई भी आपके फ्रेंड्स रिलेशनशिप में कोई भी दिए होंगे तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और 12th एनसीईआरटी के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और आप पढ़ के जाइएगा, ऑप्टिक्स ज़रूर पढ़ के जाइएगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाले चैप्टर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाले और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये इतने आप चैप्टर ज़रूर पढ़ के जाएंगे, इतने चैप्टर आप छोड़ेंगे नहीं। इतने चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन इतने जो मैंने टिक किया ना इसको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि समय कम है और आपको चैप्टर ज़्यादा हैं, तो इसीलिए आपको ये बताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वर्क एनर्जी एंड पावर ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट सभी, ये देखने सभी हैं, लेकिन जो टिक कर रहे हैं ये इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से देखने हैं। और इसके क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ और कुछ चैप्टर बाकी हैं तो चैनल पे करा देंगे जो जो मैंने टिक किया है। तो वही है, पढ़ाई करते रहिए, मैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया, देख के मैं ये चैप्टर करा दूँगा। तो बस इतना ही था, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और डेली की डेली प्रिपरेशन कराई जा रही है, चाहे KGMU हो गया, ABMU हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और सैफई इटावा की प्रिपरेशन मेरे चैनल पे चल रही है। तो आप विजिट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। आप अगर फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वैसे तो अभी पैसा लेने का कोई मूड नहीं है, अगर बनेगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी आप क्या करिए, अभी वीडियो को अगर फ्री में मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर नंबर बढ़ेंगे, जिससे मोटिवेशन और क्या वीडियो बनाने का जोश बनता है। तो वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर किया करें, हर वीडियो में कमेंट्स करें कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट या वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और अपने नॉलेज को डेवलप करते रहें और सिलेक्शन तो ज़रूर होगा। थैंक यू।